हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, क्या सीखने वाले हैं, क्या खास है, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए, एक सवाल 402 या 165 कोड वाले जो होते हैं क्लास 10th में, उनसे ये पूछा जाता है और जनरली जो एक्सेल सीखते हैं उनके लिए भी ये सवाल है कि अगर मान लीजिए ये D2 है, D2 से स्टार्ट किया गया है डेटा लिखना, बाकी सारा तो ब्लैंक है, ये D2 जो है ब्लैंक नहीं है, तो यहां से मैं लेता हूं और ये देखिए ये लास्ट वाली सेल यहां पर आ जाइए आप, ठीक है। इसे मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी कर देता हूं। देखिए यहां 53 जो लिखा हुआ है, और इसको आप देखिए, इसको एक अलग कलर प्रोवाइड करता हूं यहां से, लाइक ये कलर। तो देखिए दोनों ही चीजें देखिए आप, यहां पे 78 लिखा हुआ, ये D2 में है, और यहां पर आते हैं तो ये 53 लिखा हुआ है, ये है आपका O13 में। तो यहां पर अगर हम यहां से यहां तक सेलेक्ट करते हैं तो सेल एड्रेस क्या आएगा, अगर कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो सेल एड्रेस क्या आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर एक फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए यहीं पर यूज कर लेता हूं, लाइक यहां पे, ठीक है। तो यहां पे इज इक्वल टू लगाया, फिर यहां पे लिखता हूं सम, SUM, सम का फॉर्मूला लगाया हमने, और अगर सेलेक्ट करता हूं यहां से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और लास्ट वाली देखिए यहां D2 आ चुका है, लेकिन अगर लास्ट वाली सेल सेलेक्ट करते हैं तो किस तरह से लिखा हुआ आएगा, ये देखिए कोलन ही लगा हुआ आएगा। अगर बीच में आपको ऑप्शन में कॉमा दिया जाता है या डायरेक्टली ऐसे लिख दिया जाता है D2 टू O13, तो ऐसे ये बीच में कोलन जरूर लगा होगा। यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो कोलन है ना, ये कोलन जरूर लगा रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी सेल एड्रेस बिना कोलन के नहीं होगा, ठीक है। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब इसको बंद करिएगा, भले ही आपका रिजल्ट है, लेकिन ये चीज जो है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो है D2 टू O13, ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, ये चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस वीडियो से ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन जानते हैं कैसे दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ये जो सेल एड्रेस यहां पे दिया हुआ है, अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये है D2 टू O13, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिया जाएगा, ये है ना, ऐसे लिखा जाएगा D2, ठीक है, और ऑप्शन में ऐसे दिया जाएगा, ये कोलन नहीं लगाया जाएगा, यहां पर सेमी कोलन दे दिया जाएगा, ठीक है, और यहां लिख दिया जाएगा O13, ठीक है। तो ये भी सही है, लेकिन यहां पे सेमी कोलन नहीं, कोलन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहा जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा D2, ठीक है, और ऐसे लिख दिया जाएगा 2O13, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन सही क्या है, सही आपका यही है, यहां पे देख सकते हैं ये जो है ये तरीका सही है, बाकी तरीके गलत है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, ओके।